25 अप्रैल से शुरू हुई केदारनाथ धाम की यात्रा पर रोजाना हजारों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन तीर्थयात्री यात्रा मार्ग पर कम शौचालय होने के कारण परेशान हैं। खासकर महिला श्रद्धालुओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने पल पल बदलते मौसम के कारण लोगों से हफ्ते भर के लिए यात्रा टालने का अनुरोध किया है। इस पर तीर्थयात्रियों का कहना है कि यात्रा को न रोकें, बल्कि रास्ते में शौचालयों की व्यवस्था कर दें। आप देख सकते हो, आज जब से बाबा केदारनाथ के कपाट खुले हैं, मौसम बहुत अच्छा हो चुका है। सरकार को यात्रा पर रोक नहीं लगानी चाहिए। स्थानीय लोगों ने यहाँ पे टेंट हो गया, खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन मेरी थोड़ा गवर्नमेंट से ये प्रार्थना है, यहाँ पे शौचालय बिल्कुल नाम मात्र है, जिससे यात्रियों को दिक्कत का कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसकी भी जल्द व्यवस्था की जाए, और बाबा की ऐसी कृपा है, जैसे कपाट खुले उसके बाद मौसम अच्छा हो गया। आप देख सकते हैं सब लोगों ने टेंट लगा चुके हैं, यात्रा पे बिल्कुल रोक नहीं लगनी चाहिए, जिससे गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है। यहाँ का जो केदारनाथ का मौसम है वो एकदम औसम है, ठीक है। यहाँ के लोकल लोग जो है उन्होंने खाना पीना रहने सबकी व्यवस्था इतनी अच्छी कर रखी है कि हमारा दिल खुश हो गया। हम 11 लोगों की ट्रिप आई थी, जिसमें से कि हम 5 लोग यहाँ पे रह गए, बाकी के 6 लोग आगे जा चुके हैं, वो हमसे बिछड़ गए थे। लेकिन लोकल लोगों की वजह से हमें ये नहीं लगा कि हम थोड़े अकेले फील कर रहे हैं या फिर हमें किसी चीज़ की दिक्कत होगी। दिक्कत बस एक है यहाँ पे, वो है वॉशरूम की, ठीक है। आदमी लोग जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन वुमेंस के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी सब कुछ ऑल ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खाना रहना पीना सब बढ़िया है। और मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा कि यात्रा पर रोक ना लगाएं। मौसम और लोकल लोग जो है सब बेहतरीन है, किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। लोग आएँ, दर्शन करें, जाएँ, जैसे उनको रहना है वैसे रहें, जो मस्ती करनी है वो करें। मेरे साथ मेरे 11 फ्रेंड्स आए हैं। यहाँ के लोकल लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारे खाने रहने सबकी व्यवस्था बहुत अच्छी की है। और यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो है वॉशरूम्स की। सरकार को इस पर मेंटेनेंस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर रोक लगाने की बजाय अगर मेंटेनेंस पे ध्यान देंगे तो बेटर रहेगा। आप सब देख रहे हैं कि पहाड़ों पे कितनी बर्फ है, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ पर हमने खूब मज़े किए, और मैं चाहती हूँ कि और लोग भी आकर यहाँ पर बहुत मज़े करें। और किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि वहाँ जाके कैसा मौसम होगा, कैसे लोग होंगे, क्या होगा। यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है, सिर्फ एक वॉशरूम अच्छा नहीं है। सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, सिवाय रोक लगाने के। केदारनाथ में अभी मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बर्फबारी के नाम करी, खाने पीने रहने की हर चीज़ की यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। बस वॉशरूम वगैरह को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बाकी यहाँ पे यात्रा के लिए रोक नहीं लगानी चाहिए। यहाँ पे मौसम बिल्कुल साफ है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे सभी लोग अपने फैमिली दोस्तों के साथ आ सकते हैं। इस बार अप्रैल के महीने में भी केदारनाथ धाम में बर्फबारी जारी है। हालत ये है कि श्रमिक रास्ता ठीक करते हैं और रात में बर्फबारी से मार्ग फिर बंद हो जाता है। ये सच है कि मौसम ने जिला प्रशासन की व्यवस्थाएं बनाने में इस बार तगड़ी परीक्षा ली है। इसके बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। डेस्क रिपोर्ट, ईटीवी भारत।